आज का मास्क स्पेशल आप लोगों के लिए है, स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके स्किन पर पिगमेंटेशन का मसला है या स्किन पर मलास्मा का मसला है या स्किन के ऊपर आपके बेतहाशा डार्क स्पॉट हैं। इसके अलावा आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन नज़र आ रही हैं या आपकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन के मसले के अलावा आपकी स्किन झुलस चुकी है, मतलब तरह तरह के केमिकल्स यूज़ करने के बाद। तो आज के सब प्रॉब्लम्स एक सोल्यूशन, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत होंगे। अल्लाह पाक सब लोगों को अपने ज़ुमान में रखे और खैरियत से रखें। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। ख़ास तौर पे जिन लोगों का पिगमेंटेशन का मसला है, पिगमेंटेशन की बात कर लेते हैं, तो पिगमेंटेशन जल्दी सी जाती नहीं है क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है। बट आज हम आपके साथ ये जो रेमेडीज आप शेयर कर रहे हैं इसके अप्लाई करने के बाद आपके 50% चांस है रिमूव हो जाए, बट 50% रह जाते हैं तो 50% हम शेयर करेंगे कि किस तरह से रिमूव करेंगे। तो हमारे साथ रहेगा, आगे चल के सब बताएंगे। सबसे पहले मैंने ली है मसूर की दाल, मसूर की दाल लेकर उसका पाउडर बना लिया है। मसूर की दाल में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है ब्लीचिंग की। इसके अलावा ये स्किन पॉलिश का एक काम करती है। उसके अलावा ये जो है मलाजमा और पिगमेंटेशन और आपकी डार्कनेस को रिमूव करने का बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है। ये आपकी स्किन इवन अन ईवन स्किन को इवन टोन में लेकर आती है, आपकी स्किन को रिड्यूस करती है, आपकी जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ करती है। ठीक है जी, इसके अंदर हम ऐड करें हैं नौरंगी उबटन। अगर आपके पास नौरंगी उबटन नहीं है तो आप इसकी जगह कर सकती हैं बेसन। बेसन भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, बट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ उबटन। बेसन नहीं है तो आप संदल पाउडर है तो वो ऐड कर सकते हैं, संदल पाउडर नहीं है तो हुस्न यूसुफ ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे नौरंगी उबटन ऐड किया है क्योंकि इसके अंदर ये सब चीज़ें ही ऐड हुई हुई हैं ऑलरेडी सी, तो ये बहुत अच्छा पेस्ट हो बन जाएगा। ये आपकी स्किन को इतना अच्छा एक ग्लो देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, यकीन करें। हाँ जी, जल्दी सी लेकर आएँ इन सब प्रोडक्ट को और मिलाएं और अप्लाई करें। अच्छा जी, अब मैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट, वो है जी रोगने ऑरेंज। ऑरेंज का तेल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, सर्दियों में ये सब यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज ऑयल नहीं है तो आप इसमें ऑरेंज पिल मतलब पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और विटामिन सी इसमें भरपूर पाया जाता है, आपको पता है ऑरेंज ऑयल में, और विटामिन सी जो होती है वो पिगमेंटेशन और मलाजमा को दूर करने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही फर्स्ट मतलब तरीका है कि अगर आपके पास आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मलाजमा और पिगमेंटेशन का मसला है तो आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करते हैं, आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ स्किन सन ग्लासेस मतलब एक इतनी ज़बरदस्त स्किन कर देता है, ग्लास स्किन मतलब बहुत ही अच्छा। तो हमने इसको अच्छा से एक पेस्ट बनाना है, और अगर ये पेस्ट नहीं बनता तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है। अच्छा, वो दूध डालने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हनी। आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको सूट नहीं करते तो आप हनी स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे हनी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हनी जो होता है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ नरिश कर देता है, और हमारे जो पोर्स होते हैं ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, हमारी स्किन को रिड्यूस कर देते हैं, हमारी स्किन की जो कलर होता है उसको ग्लो कर देता है। बहुत ही अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट नज़र आता है। मैं डेली कुछ ना कुछ मतलब अप्लाई करके सोती हूँ, बट अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, डार्क स्पॉट है तो आपने क्या करना है, डबल क्लिनजिंग ज़रूर करनी है। रात को सोने से पहले डबल क्लिनजिंग कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं सोइएगा। उसके बाद फिर आपने ये वाला मास्क अप्लाई करना है। ये अच्छा सा मास्क तैयार हो गया, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किया जो हमारी स्किन को बर्न करेगा। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, सन ब्लॉक, जिसको हम भूल जाते हैं। सर्दियों में सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ किया करें क्योंकि यही एक वजह होती है जिसकी वजह से औरतें ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मसले मसाइल इसीलिए पेश होते हैं क्योंकि वो सन क्रीम्स यूज़ नहीं करती, धूप में रहती हैं या फिर ज़्यादातर किचन में काम करती हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन बर्न हो जाती है। तो आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।